Hello everyone, you are welcome in online classes of Advanced Senior Secondary School. Modernity को discuss किया था, आज discuss करते हैं normality. Normality को capital N से बताते हैं. Normality क्या होती है? Number of क्या बताओ? Number of gram number of gram इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ ए ठीक है भाई. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को मान लेता हूं x. तो यहां पे मान लिया x, जरूरी नहीं कुछ भी मान सकते, मान लिया x है. x का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट. तो x नीचे वी एल बोलने ना लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये क्या है भाई, ये होगी नॉर्मेलिटी. ठीक है, तो अब ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं. ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. M नॉट क्या था? मोलर मास. M E क्या है? इक्विवेलेंट मास. और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा किसके, बताओ? ये हो जाएगा मोलर मास बाई N फैक्टर. क्या हो जाएगा ये? मोलर मास बाई N फैक्टर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी में सबसे पहले x की ये वैल्यू रखेंगे. नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? गिवन मास इक्विवेलेंट मास इस तरफ हुआ है और ये क्या है? वीएल. फिर से बताता हूं, वीएल का मतलब है वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम इन लीटर यानी हमेशा वॉल्यूम किस में लेंगे? हमें लीटर में लेंगे. किसी भी एंगल में दिया तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में. हो गया यहां पे. अब देखो थोड़ा सा ऊपर इसमें ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन थी. और अब क्या करना, देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी. अच्छा ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास वेट तो यही रहेगा, वॉल्यूम इन लीटर भी यही रहेगा. इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल था? मोलर मास बाय एन फैक्टर, जो कि ऊपर है यहां चला जाएगा. ठीक है भाई, अब डिस्कस करते हैं एक बार और मोलरिटी को. किसको कहेंगे भाई? मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी बताई थी बड़े एम से डिनोट करते थे. गिवन मास क्या बताया था वो? हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर. क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल. अब देखो ध्यान से, ये चीज क्या है? मोलरिटी. क्या ये मोलरिटी? तो मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर. नोट करना ये रिलेशन में कई बार क्वेश्चन साइंस में. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर. काफी बच्चे कर भी चुके हैं इसको 11th में, लेकिन फिर भी हमें इसको याद रखना. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर. अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एन फैक्टर क्या होता है. जैसे HCl दे दिया भाई, HCl की नॉर्मेलिटी निकालनी है. हमें पता है HCl में क्या है, एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव. तो यानी जो एसिड जितने H पॉजिटिव दे उसको क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी. और जो बेस जितने OH नेगेटिव दे उसको क्या बोलते हैं? उसकी एसिडिटी. तो मैं क्या कहूंगा, ये कितने H पॉजिटिव लूज कर सकता है? एक. यानी इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? एक. तो एन फैक्टर भी कितना होगा?
अगर इसमें पजल होते हैं तो एक बात कह सकते हो, जो एसिड जितने एच पॉजिटिव देता है वही उसका क्या होता है एंथ्रोपी। जैसे H2SO4 है ये कितने एच पॉजिटिव दे देगा, दो दे सकता है। हाँ कहीं पर अगर स्पेशली मेंशन कर रखा भी एक दिया तो एंथ्रोपी देख लेना, लेकिन मोस्टली हम एंथ्रोपी कितना लेना है क्योंकि एसिड दो एच पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है भाई, वो देखा जाएगा कि वो उसके आयनाइजेबल एच कितने हैं। अब जैसे वही बात बेस के साथ है, अगर मैं NaOH की बात करता हूं तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव कितने OH नेगेटिव दे देगा, एक। यानी इस बेस की एसिडिटी कितनी है, एक। अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बात करूंगा भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितनी होगी बताओ, एंट्रोपी कितना होगा दो। और एक एट लास्ट बात करते हैं किसकी, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी एसिडिटी कितनी होगी तीन, एंट्रोपी भी कितना होगा तीन। तो ये नॉर्मलिटी मोलरिटी के बीच में रिलेशन याद रखना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास है।